जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, क्योंकि पोल के सवाल पे बहुत डिस्कशन हो चुका है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है और हम उसको अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आई थिंक हर कोई इंसान देता है विदाउट इवन नोइंग कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहा है। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे पास, वो अटेंड करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। टोक दिया कि कहना मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बात होगी, इस पे बहुत बात हो चुकी है। वाकई बात तो बहुत हो चुकी है, लेकिन ये इसमें सारी चीजें आ गई आपके सवाल के अंदर, इसमें सारी चीज आ गई। लेकिन मैंने जो आपकी सारी डिस्कशन का नतीजा जो निकाला है, वो असल में औरत और मर्द ने अपने अपने अना का मसला बना के अपने अपने रूप पेश किए हैं। असल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऑन दी होल अगर सिर्फ आपके सवाल को गौर किया जाए तो ये कि बॉस कौन अच्छा है। तो मेरी 65 साल की उम्र हो रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो के औरत बहुत कम इस मुकाम पे पहुंचती है। वो पहुंचने में मतलब थोड़ी डिले है, लेजी है, अल्लाह ताला ने पैदा ही ऐसा किया। लेकिन अगर जो लेडीज या औरत उस मुकाम पे पहुंच जाती है, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होती है, बेहतरीन सरबरा होती है, बेहतरीन बॉस होती है, अगर वो पहुंच जाए। शुक्रिया वो बहुत कम पहुंचती है। आपके सामने एक एग्जांपल बैठी है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं इतना मुख्तसर बात कहूंगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, अब ऐसा हो गया है कि मैं इस पे ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आदमी की बुनियादी जरूरियत एक दरमियाना अच्छा कमाने वाला के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। औरतों की ये हिम्मत है, ये है क्वालिटी है, और इसी में देख ले आप कि वो मैनेज कर रही है। वरना अगर यही चीज आदमी को दे दी जाए, बिल्कुल मैनेज नहीं। चलिए शुक्र है कि हमारे साथ बहुत ही हाथ खुला, बहुत हिम्मत का, बहुत हाथ खुला। अच्छा जी, हम खुश इसलिए हो रहे क्योंकि हमको खवातीन है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ कोई जेंडर वॉर कर रहे हैं, हम कोई जेंडर वॉर नहीं कर रहे, ठीक है। हर देखिए, खुदा ने आदमी को बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ दी हैं। डिसीजन पावर जो है वो बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी डिसीजन पावर दी है। और ख़वातीन को मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी दी है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा मैम, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चीज़ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ये है कि आपकी जो ज़रूरत है घर की, उसको अपने बजट में रहकर पूरा किया जाए, उस तरीके से पूरा किया जाए कि आप बगैर किसी से लिए अपने ही हदूद में रहें, जो आप कमाते हैं, जिस घर में एक खर्चा है होता है दिया जाता है, उसको पूरा करें। कभी आजकल बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई अरूज पे है, फूड बिल्स, आपके यूटिलिटी बिल्स की तो इंतहा पहुंच चुकी है, और कोई कुछ कर भी नहीं रहा इसके लिए कि कोई सामने आए और कोई इसको टेक केयर कर। ये तो सब कहते हैं महंगाई है, लेकिन इसके लिए, इसके खिलाफ, इसके लिए कोई बात नहीं करता। और जिस कदर महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, ओह मेरे खुदा, अगर ये आज कीमत कुछ है तो कल कुछ और। और हर शॉप वाले की अलहदा रेट, ये सबसे बड़ा अलहदा रेट से हर शॉप वाले की आप मैनेज नहीं कर सकती कि कौन सी चीज़ किस लेवल पे आपको मिल जाएगी और कितनी कीमत में मिल जाएगी। एक दुकान से आपको अगर वो चीज़ मिल रही है, एक सपोजिंग दूध है या कोई भी रोज़ की मर्रा की चीज़ें, तो आपको रोज़ ही खरीदनी है कि आटा है, चीनी है, चाय की पत्ती है, ये सब एक जगह से आपको कम मिल रहा है, और उससे दो दुकान छोड़ के वो प्राइस अलग मिल रही है। कोई ऐसी वो नहीं है हुकूमत की तरफ से या कहीं से कि जो उसको कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, ये बीच का जो है ना प्रॉब्लम, जो दुकानदार है या जो लेके आता है, वो सबसे ज़्यादा प्राइसेस हाई करता है। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं हमारी डेली नीड ग्रोसरीज़ की उसमें आती हैं, ठीक है। तो अगर ये इतना वेरी करती हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना मुश्किल होता होगा फिर हमारे लिए, एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि हम रेंज निकालते हैं। हम एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग ये होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें फिर छोड़नी पड़ती हैं, जो ज़रूरी है वो तो आपको करना है, वो तो जाहिर बात है, ज़रूरी चीज़ें तो हर हालत में। जैसे कपड़े हैं आप कम बना, बिल्कुल बिल्कुल बाहर खाना नहीं खाएं, हाँ, घर में खा लें, ये चीजें जो है आप उसको कंट्रोल कर। पहले ये था कि पहले गोश्त ज्यादा इस्तेमाल किया जाता, हाँ, अब दो दिन और कम कर दिए, जैसे पहले 4 दिन तो अब 2 दिन इस्तेमाल करने लग गए। सब्जियां वो इतनी आसमानों पे बात कर रही हैं कि बस अल्लाह तौबा, उनको भी मैनेज करना पड़ता है, किस तरह बनाए, कैसे बनाए, हर चीज, बिल्कुल हर चीज। दूध है वो पहले ज्यादा आता था, अब थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन अब जिंदगी तो गुजारनी है ना। और सफेद पोश तो मिडिल क्लास के लोग, तो अगर आप 2 लीटर लेती थी तो आपने उसको 1.5 कर दिया। हाँ, ये जो बजटिंग की बात है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो तो बढ़ती जा रही है। जो तनख्वाह वाले लोग हैं, तनख्वाह इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही,
जितनी तेजी से मतलब महंगाई हो रही है, तनख्वाह भी फिर उसी लेवल से ज्यादा बढ़नी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। और सैलरी क्लास जैसे लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम अपना टैक्स देते हैं, टैक्स बिल्कुल हम लोग सैलरी क्लास मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा टैक्स देती है, और हम लोग ही हैं जो मैनेज करते हैं। अगर टैक्स बढ़ता है तो वो सैलरी क्लास ही देती है, तो हमारी और बजटिंग कम हो जाती है। स्कूल की फीस जरूरी है निकालनी, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसके बाद जो बचता है दैट इज फॉर द होम। दिस इज हाउ यू बजटिंग ये होती है कि आप अगर बिजली का बिल नहीं देंगे एक दफा, दूसरे महीने वो डबल डबल आ जाएगा। तो आपको ये पहली चीजें, तो बजटिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लाइक हर रोज हर महीने बढ़ता है, तो आप उसी में रहते हैं कि किस तरह मैनेज करना है। और स्कूल बच्चे जाते हैं, फिर उनको अब ट्यूशन भी है, अब ये भी पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है कि चलो भाई स्कूल में डाल दिया तो चले, कोई ट्यूशन भी है, फिर घर में भी पढ़ाना, यानी ट्यूशन भी और फिर घर में भी पढ़ाना, तो ये अलहदा रहता, मतलब ये जो खर्चे अच्छा, बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। मैं हमेशा बात ये करती हूँ कि आपने कहा कि बच्चे को स्कूल भी जा रहे हैं और ट्यूशन भी अलहदा से, और घर में बहुत ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का, अलहदा से पढ़ाना है। ट्यूशन अगर हम अलहदा से ना पढ़ाएं, बच्चे को भेजें इन द फर्स्ट प्लेस अच्छे स्कूल में, इतनी फीस वहाँ पे 15,000 रुपए पर मंथ दे रहे होते हैं, लेकिन आप यकीन, उसके बाद आके जो फिजिक्स की ट्यूशन है, केमिस्ट्री की ट्यूशन है, कितने भी बड़े स्कूल हो, कितने भी बड़े स्कूल हो, आजकल ट्यूशन मेरा ख्याल है फैशन भी हो गया है कि भाई ट्यूशन पे जा रहा है। पहले वक्तों में ये होता था कि बच्चा ट्यूशन नालायक बच्चा जाता था। ये देखिए आपने कहा फैशन के लिए, इस चीज से हम आते हैं, हमारे पास एक कॉलेज ही, पहले वो कॉलेज अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? कामरान बात कर रहा हूं, बात जी। कामरान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा जी कामरान साहब, हमारे पहले पोल का जवाब देंगे हम। मैंने इसी सिलसिले में कॉल किया। हाँ जी, अब तो मैंने सुबह से देखता हूँ प्रोग्राम, फिर तो आपने बहुत सारी चीजें देख ली। हाँ, मैंने काफी ज्यादा चीजें देखी और मुझे उसमें ऐसा लगा कि आपने कोई एक गन उठाई हुई है। मुझे भी कुछ ऐसे लगा कोई जेंडर वॉर हो गया, 1,000-2,000 मर्द आपके आगे हैं और आप काउंटर स्ट्राइक उनके साथ खेल रही हैं और अपनी मर्जी से एक एक को मार रहे हैं। अपनी मर्जी से नहीं मारे, जान बचाने, हम पूरा घर मैनेजमेंट करते हैं, काउंटर स्ट्राइक में वो जान बचाने के लिए मारते हैं। हां जी। अच्छा, आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बात कर रही हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले ये खातून बैठी हुई है स्काफ में, मेरी बहन है जी जी, इन्होंने कहा कि मर्द जो है गैर जिम्मेदार होता है, अगर अपनी मर्जी से उठता नहीं है और इस तरह की काफी ज्यादा चीजें, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये अगर आप लोग अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बात करें, जितनी भी कॉस्ट है ये ज्यादातर हमारे माशरे में मर्द बेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो घर से निकलते हैं, कमा के लाते हैं, और उनकी बीवियों को ये नहीं पता होता कि वो किस तरह कमा रहे हैं, लेकिन उनको ये होता है कि मुन्ने का डब्बा खत्म हो गया, दूध का वो ला के देना, ये सारी चीजें। ये तो मर्द की जिम्मेदारी है ना, कमाएगा नहीं तो फिर क्या, जाहिर मर्द कमाना है, यही तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। तो फिर मर्द को अप्रिशिएट किया जाए ना, बिल्कुल करते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत हाईली अप्रिशिएबल पॉइंट है, हम तो डेफिनेटली इस चीज पे हर कोई अप्रिशिएट करता है, कमाना आसान काम नहीं है। तो पिछला कोई ना, कमाना आसान काम है और ना घर को चलाना आसान काम, दोनों में से कोई आसान काम नहीं है। अगर मर्द के अंदर कोई खामी है तो औरत के अंदर भी कोई ना कोई खामी, पर दोनों में बहुत बिल्कुल दोनों में आपको औरत से शिकायत है, हमें मर्द शिकायत थोड़ी बहुत, यहाँ शिकायत की बात नहीं है। अगेन मैं यही तो कह रही हूँ कि कुछ क्वालिटीज खुदा ने आदमी को बहुत अच्छी दी है और ये चीजें उसके अंदर है, डेफिनेटली है, हम तो कोई भी इसे निगेट नहीं कर सकता, बगैर मर्द के भी घर नहीं चलेगा। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे देखिए, तो आपको ये मानना चाहिए कि ताली दोनों हाथों से बचती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अगर आपके अगर आप औरत को सुपीरियर बना रहे हैं तो मर्द भी इसी से कम नहीं है, तो मर्द भी अपनी जगह है। अच्छा, एक मर्द बहुत मुश्किल से कमाता है।